हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देवभूमि हिमाचल प्रदेश से मैं हूं आपका दोस्त करण ठाकुर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे गाइस, और होने भी चाहिए क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है गाइस। तो आज है 9 तारीख, अभी बजने वाले हैं गाइस 12। तो मेरे साथ है मेरे वाइफ। हेलो। तो हम जो है गांव के साथ ही नीचे जा रहे हैं गाइस कुछ काम के सिलसिले से। तो वो काम क्या है तो मैं आपको बताता हूँ, तो वहाँ जाके आपको बताऊँगा गाइस। तो बने रहे वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें, और जो चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की मेरी और अपडेट आप तक पहुँचती रहे गाइस। तो यहाँ पर पीछे गाइस मेरा गांव दिखा है आपको, जो मेरे सामने ठीक पीछे है। तो यहाँ पर गाइस मेरे पीछे गाड़ी है मेरे चाचू की। तो पहले गाइस यहाँ तक रोड नहीं था हमारे गांव को, तो अब रोड की सुविधा है, रोड निकल चुका है गाइस। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ चौक पे। तो यहाँ पर जो मेरे पीछे है ये वाला रोड गया बछला को, तो ये आया है गाइस हमारे गांव को ये वाला रोड। तो अब तो सुविधा हो चुकी है रोड की भी। तो अभी पहुँच गया हूँ मैं गांव में। तो ये है मेरा खूबसूरत गांव मेरे पीछे। ये है गाइस हमारा प्यारा सा डॉगी जॉनी। जॉनी हेलो करो, हेलो हेलो। हाँ, ये है जॉनी। तो यहाँ पर है गाइस छोटा सा किट्टू, बहुत ही स्वीट स्वीट, बहुत ही प्यारा प्यारा। वाह, पर गाइस ये बहुत ही शैतान है, इसने मेरे को दांत भी मार दिया। ये छोटा सा बहुत प्यारा सा नन्ना चाप पी पी कर रहा। तो यहाँ पर गाइज हम आ चुके हैं अपने गांव से थोड़ा नीचे को, और यहाँ पर नीचे जो आप देख रहे हैं ये छत वाला जो घर है, यहाँ पर गाइज बोलते हैं तिरमीधार, जो कि हमारे गांव से नीचे को यानी कि डॉन में पड़ता है। उस सामने नीचे आप कुरपनखंड देख रहे हैं गाइज। तो बैकग्राउंड पीछे का जो व्यू है कुछ इस तरह का है गाइज। तो सामने पीछे निर्मंड, जो कि हमारी तहसील है गाइज। तो यहाँ पर गाइस आप जो मेरे पीछे यहाँ ये देख रहे हैं, तो ये है गाइस मिर्च के पौधे, जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, जो कि हमारे दादा लोगों के हैं। तो इसमें अभी भी गाइस मिर्च पड़ी है, आप देख सकते हैं एक छोटी छोटी मिर्चें पड़ी है, और बहुत बड़े बड़े पौधे हैं गाइस। तो ये मेहनत करके होता है, तो मेहनत का नतीजा है, कितना बड़ा मिर्च का पौधा है गाइस, जो कि इतना मोटा हो रखा है और इतना मजबूत भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी मिर्च लगी होगी गाइस। तो जो पूरा झाड़ जो है मिर्च का रखा हुआ है दादाजी लोगों ने, तो अब तो कुछ भी नहीं है यहाँ, ये तो जलाने के काम आएगा गाइस, अब तो ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर गाइस मेरे पीछे आप जो ये बहुत बड़ा पेड़ देख रहे हैं गाइस, इसको हमारी भाषा में यहाँ पर कहते हैं गाइस काकड़ा, जो कि पेड़ का नाम है। तो इसके बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कई जगहों पे होते हैं कई जगहों पे नहीं होते हैं। तो इसमें गाइस लगती थी वो क्या बोलते हैं जो बालड़ी के टाइप की शिमी कहते हैं हम यहाँ पे, तो वो जो गाइस पहले बिकती थी और बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी वो जब बिकती थी, तो अब तो बहुत कम लगती है आज की डेट में, पता नहीं बिकती है कि नहीं बिकती है। इसमें नहीं, ये नहीं। चलो दोस्त, तो अगर मिलती है मेरे को तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होती है वो शिमी और जो बिकती है गाइस। तो साथ में गाइस ये जो खेत है मेरे चाचू का है, तो इतने तेज है कि गड्ढे भी कर दिए हुए, जो सेब के पौधे के जो गड्ढे होते हैं जो कि सर्दियों के मौसम में बनते हैं, तो अभी हमारे भी करने को है, तो उन्होंने कर दिए हुए हैं।
तो बहुत तेज है। तो यहां पर गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं घास की टोलियां। तो इस तरह के जो है हमारे यहाँ घास की टोलियां लगाते हैं, पहले घास को काटते हैं, उसके बाद सुखाते हैं, फिर इस तरह से लगाते हैं गाइस गाय का जो कोटा होता है, क्योंकि आगे फिर घास नहीं मिलता है तो इस तरह से टोलियां लगानी पड़ती है। तो हमारे यहाँ पर इसको खुंडा भी कहते हैं और कई जगहों पर ढेंगड़ा बोलते हैं इसको। तो इस तरह का होता है पहाड़ी जीवन और बहुत मेहनत होती है दोस्तों पहाड़ी जीवन में। और साथ में गाइस यहाँ पर मेरे पीछे जो ये पौधा है, पेड़ है, ये है भेड़ बोलते हैं हमारी भाषा में। तो इसके पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं गाइस, तो आपके वहां भी होता होगा तो प्लीज कमेंट में बताएं। तो ये जो है बकरियों के काम आता है, और जो गाबू होते हैं जो कि पहाड़ों में बहुत ज्यादा पालते हैं और ऊपर ऑटर श्राद्ध में तो बहुत ज्यादा, तो उसके काम आते हैं चारे के काम, जो कि हमारी भाषा में कहते हैं पलूड़ा। पलूड़ा देते हैं हम लोग, तो इसलिए ये भेड़ होते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में होते थे, लेकिन अब इनकी संख्या कम हो गई है क्योंकि लोगों ने काट दिए हुए और अपने खेतों में बगीचे तैयार कर दिए हुए, क्योंकि सेब के बगीचों के लिए ये हानिकारक होते हैं। सकते हैं मेरे पीछे का व्यूज, और जहां पर हमने आना था तो फाइनली हम उस जगह पहुंच चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं हम यहां पर क्यों आए और किस कारण आए, तो बताते हैं आपको। देख सकते हैं मैं घनी घास के बीच में इस टाइम खड़ा हूं। तो गाइज ये वाली जो घास है हम इसको निकालने आए हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि घास निकालने आए हैं। तो गाइज ये है स्पेशली घास, इसको हमारी भाषा में कहते हैं गाइज मुंजी। तो ये बहुत काम आती है, अगर यूं कहे तो जैसे हमारे पुराने घर होते थे पहले मिट्टी के घर, तो उसमें जो लिपाई पुताई कहते हैं, तो हमारे वहाँ लेसना टूटना बोलते हैं, तो उसके काम आती है गाइस ये। और जब किसी की डेथ होती है तो उस वक्त भी ये यहाँ पे हमारे हिमाचल में हमारे ऑटर श्राद्ध में विधि के रूप में लगती है। तो बहुत काम की चीज़ है गाइस ये, तो ये बहुत दुर्लभ से मिलती है, ढांक में मिलती है, तो हर जगह नहीं होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने घर वहाँ से हम यहाँ तक स्पेशल इस मुंजी के लिए आए हैं। तो ये मेरी वाइफ के हाथ में दराटी आप देख सकते हैं, तो तभी हम स्पेशली गाइस ये था हमारा यहाँ आने का कारण। तो आप देख सकते हैं घास नहीं होते हैं, छोटे छोटे कुम्बरे कहते हैं हमारे, तो फुल हो गया मैं कुम्बरे से। तो इस तरह से गाइस इसको ऊपर से बांधा जाता है और इसको सुखाया जाता है गाइस, तो इसको कहते हैं मुंजी। तो गाइस अभी इस वक्त जो मेरे हाथ में है ये जो चीड़ का पेड़ होता है गाइस, उसके जो ब्रशेज होते हैं ये है वो चीज। तो इससे क्या होता है कि इसे हम निकालते हैं चूहा कहते हैं गाइस। चूहा मींस एक हम कह सकते हैं छोटा झाड़ू, यानी कि मिनी झाड़ू, मिनी ब्रोम। तो जो पहले जमाने में हमारे जो पूर्वज लोग थे, दादे परदादे लोग थे हमारे, तो जब चूल्हा चौका जहाँ पे मिट्टी के चूल्हे होते थे, तो उस वक्त इनका यूज होता था गाइस झाड़ू मारने के लिए, क्योंकि जो झाड़ू होता है बड़ा झाड़ू वो गंदा होता है, तो चूल्हे के पास यूज नहीं होता है, तो ये पवित्र होता है। तो ये चीज़ें जो है चूल्हे के पास, जैसे खाना खाने के बाद जो झाड़ू लगता था तो इससे मारते थे गाइस, तो ये काम आती थी, जो आज की डेट में जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं रीति रिवाज। तो अब जो है पक्के मकान बन रहे हैं, RCC की बिल्डिंगें बन रही है, तो कच्चे मकान कम रह चुके हैं, हमारे गांव में भी ऐसा ही हो रहा है गाइस। तो आज से 15-20 साल पहले इसी का दौर था और इसी का ज़माना था। तो ये चीड़ के पौधों में कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से, तो ये निकालने पड़ते हैं, इससे छांट के अलग करना पड़ता है। तो इसको फिर पीछे से बांधा जाता है, झाड़ू की तरह मोटा करके इसको बांधा जाता है, फिर आगे से थोड़ा काटना पड़ता है ताकि ये स्ट्रांग रहे और मतलब बिल्कुल तीखा रहे, झाड़ू मारने को आसानी हो। चूहा मारना कहते हैं हमारे गाइस।
तो गाइज ये निकाली हमने, इतनी सारी मूंजी निकाली हमने। तो ये ज़्यादातर डंकार जहाँ पर होता है, डंकार भरी जगहों में ये ज़्यादा होती है गाइज, प्लेन में बहुत ज़्यादा कम। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए डंकार भरी जगहों का मुआयना करने, तब जाके हमारे को यहाँ पर ये मिली। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बड़ी काम की चीज़ है। तो गाइज़ ये एक नया था जो मैंने आपको बताया इस ब्लॉग में, तो शायद ही आप इसके बारे में जानते होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में गाइज़ अच्छे अच्छे कमेंट करें। और जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की मेरी ऑल अपडेट आप तक पहुंचती रहे गाइज़। तो अब हम निकलते हैं घर की ओर, तो मिलते हैं अगले एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।